हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप बेहतरीन होंगे। और आज है दिवाली और सभी प्यारे साथियों को हैप्पी दिवाली का राम राम, खम्बागणी, सत श्री अकाल। तो देखिएगा, आज जितना भी आपका करंट अफेयर बनेगा, यानी कि आज है 14 नवंबर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी हम जानने वाले हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया है साथियों। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों? तो देखिएगा, पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपका क्या हो जाएगा साथियों? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना है। अब आप पूछोगे कि क्या है क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऐप के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करेगी और इस ऐप के जरिए कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करा जाएगा साथियों। तो ये चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जा सकती है। इसी के साथ हम बहुत सारी चीजों का डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पे क्या क्या आया है, केरल आया है। तो आप पूछ सकते हो कि केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है साथियों। और अब आप पूछोगे कि सर केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो भी हम बता देंगे साथियों कि केरल में साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामुदाई है, एर्नाकुलम है, परांबिकुलम है, इडुकी नेशनल पार्क केरल राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अब आप पूछोगे मैं तो गुजरात का बताओ, तो गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी हो जाएंगे और आपके गवर्नर आचार्य देवव्रत हो जाएंगे साथियों, आचार्य देवव्रत, ओके। और इसी के साथ आप पूछोगे कि भाई गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो मेरे भाई आपका गुजरात में बहुत सारे हैं। एक तो गिर है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पता है, मेरिन है, ब्लैक बक है, वसंदा है, और जंगली गदा नेशनल पार्क आपके गुजरात में ही है साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले महाराष्ट्र के बारे में बताना आवश्यक है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है भाई? आपके भगत सिंह कोश्यारी है। लेकिन मैं और भी चीजें बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे महाराष्ट्र में आप पूछोगे कि सर नेशनल पार्क महाराष्ट्र में क्यों नहीं बता रहे, तो मैं बताऊंगा दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसा कि बोरीवली नेशनल पार्क है, चांदोली है, तदोबा है, गुगामल है, नवागांव है, मेलघाट जो नेशनल पार्क है वो आपके महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है साथियों? तो देखेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका केंद्र सरकार हो जाएगा। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ साथियों, आपको याद रखना है। देखेगा, केंद्र सरकार के कौशल विकास उद्यमिता विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड के 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को लघु अवधि के प्रशिक्षण और 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को पूर्व शिक्षा की मान्यता दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे बहुत सारे हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहली बात तो योजना आयोग, योजना आयोग 1950 में आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो आर्टिकल 124 में करा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है 125 के अकॉर्डिंग मिलती है। कौन हमारे 47 नंबर के? शरद अरविंद बोबड़े है। शरद अरविंद बोबड़े कितनी सैलरी पाते हैं? तो आप बोलोगे 2,80,000 रुपए पाते हैं। अच्छा जी, चलिए 2,80,000 पाते कहां से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि को आर्टिकल 266 में रखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या बताना है, आप पूछोगे कि भाई भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई के मंजगांव डॉक में अपना कौन सी बार मतलब स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर लॉन्च करी है, तो वो आपकी पांचवी बार हो जाएगी। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा ना, तो आपको याद हो जाएगा साथियों, यानी कि स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर एंटी सरफेस वारफेयर माइन बिछाले खुफिया जानकारी जुटाने के और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम है साथियों। और आपको पता है कि मुंबई के मंजगांव में ये आपकी क्या करी गई है, लॉन्च करी गई है, बात करी गई है मुंबई की। मुंबई से याद आया आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, तो ये तो आपको मतलब बहुत ही अच्छे से याद है चीजें, ठीक है। तो चलिए अब हम अब आप बोलोगे कि सर नौसेना आया है, आप तो हमें यह बताइएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, हर 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख है करमवीर सिंह। अब आप बोलोगे हमने तो वायुसेना बताओ, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और RKS भदौरिया आपके वायुसेना के प्रमुख है साथियों। और आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और थल सेना प्रमुख है आपके मनोज मुकुंद नरवाने, तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में COVID-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है साथियों। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, वो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 900 करोड़ रुपए। कितना? 900 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेगा ये किस प्रकार है, ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों। आपको बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय ने COVID-19 सुरक्षा मिशन के तहत ने कोविड आपकी वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है और साथ ही ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार के लिए आपका 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा भी की गई है। तो ये आपको पूछी जाती है और उम्मीद करूंगा आपको काफी अच्छे से याद हुई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, अब आप बोलोगे सर ये इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, भारत और किस देश के बीच विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मेरे दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी ने बताया। अब आप बोलोगे भैया मैं तो इसके बारे में बताओ, तो मेरे दोस्तों देखिएगा कि कोरोना काल में मालदीव पर्यटन उद्योग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। और साथ ही साथ बाकी देशों के बारे में कौन बताएगा भाई, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। कौन सी नदी बहती है? मुरे डार्लिंग। कितनी लंबाई है? 3720 किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ AUS इंडेक्स सेक्शन में अभ्यास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना हो जाएगी साथियों, प्रिटोरिया आपके दक्षिणी अफ्रीका की हो जाएगी और मालदीव की माले राजधानी हो जाएगी। तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे विदेशी सचिव है, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने बताई बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस मेरे सभी प्यारे साथियों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्यारे मित्रों कि भाई भारत वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसके फेंके हुए छिलकों से ऊर्जा के मामले में दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित करी है, तो मेरे दोस्तों मूंगफली से करिए। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, समझ में आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मूंगफली के फेंके हुए छिलकों से ऊर्जा मामले में दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है। इससे गुजरने वाले प्रकाश एवं गर्मी को नियंत्रित करके ऊर्जा संरक्षण और एयर कंडीशनिंग लोड को कम करने में मदद कर सकती है। और इस स्मार्ट स्क्रीन के अनुप्रयोग में तरल क्रिस्टलीय अणुओं को एक बहुलक सांचे में ढाला गया है, तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों के सामने कि भाई भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित कराए, तो वो आपके रस्किन बॉन्ड को, किसको करा गया है भाई? रस्किन बॉन्ड को करा गया है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है और उम्मीद करूंगा कि सभी को क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है।
हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप बोलोगे सर मैं तो इसके बारे में तो पता ही नहीं, तो मेरे दोस्त इतने बताना चाहूंगा कि भारत के मतलब प्रसिद्ध जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, उसके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब अनुभव है, इसलिए इनको दिया गया है साथियों। तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके जितना प्यारा, आपको बताना है कि 14 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका विश्व कौन सा भाई, सभी बताएंगे। उम्मीद करूंगा आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका मधुमेह है। ओके, कौन सा दिवस मनाया जाता है, मधुमेह है दिवस मनाया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर हमें इसके बारे में बताओ, तो मेरे दोस्तों देखिएगा यह दिवस इतिहास के आपके जो महान वैज्ञानिक साथियों है ना, मतलब अक्ष जो महान वैज्ञानिक इतिहास की महान खोज को क्या है अक्षुण करने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को मतलब पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज हर साल मनाया जा रहा है साथियों, आपको तो पता ही है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा और उम्मीद करूंगा कि समझ में भी आया होगा। अब आप पूछोगे कि भाई एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको दिवस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप दिवस में भी बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन यह है आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आपका हाल ही में मतलब विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करा है साथियों। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चीन हो जाएगा, और चीन के साथ अपने देश की जो सीमा है वो कितनी लगती है आपको तो पता ही है। आप बोलोगे भाई चीन के साथ हमारे इंडिया की जो सीमा है ना, वो कितनी लगती है साथियों, आपकी 3388 किलोमीटर की। और भाई जापान की राजधानी टोक्यो जापान से बहती है आपकी अराकावा नदी, और धर्मगार्जियन सेनु मैत्री मालाबार, अभी हाल ही में आपका जिम्बेक्स सेक्शन अभ्यास जापान के साथ हुआ है। अमेरिका के साथ भी आपको पता है कि भाई आपका रेड फ्लैग हो गया, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रंप हो गया, बहुत सारे सैन्य अभ्यास हुए हैं, ठीक है। और चीन के साथ हैंड इन हैंड हो जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पता है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश के चुना है साथियों, तो वो आपका भारत हो जाएगा साथियों। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको पूछी जाती है, जैसा कि इसका आपने भारत बताया। WHO की स्थापना कब करी गई थी, तो आप बोलोगे भाई WHO की जो स्थापना है साथियों वो 1948 में करी गई थी साथियों, और जेनेवा में इसका मुख्यालय है साथियों, टेड्रोस अदोनम इसके हेड है, 194 इसके सदस्य देश है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, जापान आया, धर्मगार्जियन सैन्य मैत्री मालाबार, जिम्बेक्स सैन्य अभ्यास हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ AUS इंडेक्स सैन्य अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ सभी प्यारे साथियों को हैप्पी दिवाली, और उम्मीद करूंगा कि बेहतर खुशी आए आपके जीवन में और आप बेहतर चीजें सीखें। ओके, तो थैंक यू सो मच साथियों, एंड उम्मीद करूंगा कि वीडियो काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी 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 दिवाली।